वही है मैंने जब आप देख रहे हैं हिंदटेक न्यूज, मैं हूं गौरव कुमार। ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरन मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि यहां के भोले भाले लोग जो पटना आते हैं वो ठगाए नहीं। आप देख सकते हैं पीछे हम पटना जंक्शन पे, जो कि बिहार की राजधानी है पटना, और पटना के पटना जंक्शन पे, और यहाँ पे खुलेआम रात्रि में बेसिया वृत्ति होती है। खुलेआम जो भोले सीधे साधे लोग होते हैं, बहुत दूर से आते हैं, उनके साथ बेसिया वृत्ति होती है। आप देख सकते हैं यहीं पे प्रॉपर, और यहाँ पे बगल में ही थाना का गाड़ी, बस दो पास आगे थाना यहाँ पे खड़ा रहता है और प्रशासन कुछ भी नहीं करती है। खुलेआम यहाँ पे बेसिया वृत्ति होती है, यहाँ पे जो भोले भाले लोग होते हैं उनसे छिनछोरी का घटना किया जाता है। यहाँ पे कोई लोग यहाँ से उनसे 500 रुपये के नाम पे उनको लेके जाया जाता है होटल के नाम पे, और उधर जाके उनसे छीना छोरी होता है। बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, कुछ बात हम उनसे भी, अगर वो हमसे बात कर पाते हैं तो उनसे भी जानते हैं कि क्या डेली ऐसा होता है। या मैं यहाँ पे आया था तो मेरे साथ भी मतलब ये घटना हुआ कि मेरे दोस्त को, जो मेरे दोस्त बाइक चला रहे थे उनके साथ भी ऐसा हुआ, उनको टच किया गया और उनको जाने के लिए बोला गया। और इस तरह जो यहाँ नए नए लोग होते हैं सारे के साथ ऐसा ही किया जाता है। हम उनसे यहाँ के जो नियत दुकान है उनसे हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। हम देखो ना यहीं के रहने वाले हैं भैया। अच्छा, यहाँ पे क्या है जो डेली औरतें बेसियावृत्ति किया जाता है ऐसे? बोलिए। अरे शर्माने की कोई बात नहीं, यहाँ पे जो दूर दूर से लोग आते हैं उनको पता नहीं होता है, भोले वाले लोग यंग जनरेशन के लड़के आते हैं और वो इस समय फंस जाते हैं, उनके साथ छीना छोरी की बहुत सारे घटनाएं। आज ही मैंने यहाँ पे आया तो बहुत भीड़ लगा हुआ था, पता चला तो यही घटना था उसका, मैं थोड़ा सा क्लिप आपको दिखाऊंगा। उनसे छीन लिया गया था, जो कि पटना जंक्शन का वीडियो है, उसका वीडियो मैं आगे आपको क्लिप में भी दिखा दूंगा, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे लोग बताना नहीं चाह रहे, बहुत शर्मा रहे हैं। आगे आगे हम आपको डायरेक्ट देखिए लाइव दिखाते हैं यहाँ पे कैसे खुलेआम बेसियावृत्ति किया जाता है। चलो तुम भागेगा तो अच्छा नहीं होगा। देखिए पीछे देखिए, वो लेडीज का को वीडियो ही मेरा मिल जाएगा। खुलेआम बेसियावृत्ति यहाँ पे किया जाता है, जो कि पटना जंक्शन से थोड़ा सा ही आगे, और इस पर प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेती है। और यहाँ पे इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि भोले वाले लोग आते हैं उनके साथ छिनछोरी की घटना बहुत ज्यादा होती है, एकदम खुलेआम होती है, और जो जिनको पता नहीं रहता है, बहुत दूर से पटना में तो इतना फेमस है क्योंकि बिहार की राजधानी है, दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और उनके साथ ऐसी घटना हो जाती है, उनको पता भी नहीं चलता है, वो तो थोड़े से खुशी के लिए यहाँ पे जाते हैं उनके साथ चले, और उनके साथ ऐसी घटना हो जाती है इसके लिए। इधर के बहुत करप्ट है पटना, ये जंक्शन बहुत करप्ट है, मेरे साथ आज ही फ्रॉड हुआ है। अच्छा, आपके साथ आज अभी अभी हुआ है? अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? हम गोरखपुर के रहने वाले, आए थे यहाँ उतरे हैं, ऑटो वाले आए मेरे पास, बोले कि अब हमें होटल चाहिए, कहें 100 रुपये भाड़ा लगे, हमें भाड़ा देने के लिए तैयार, आगे गए लेकर हमें कहें कि भाड़ा दीजिए, हम चैन खोले तो किसी लेडीज को बैठा दिए, लेडीज में जिसमें पैसा 4000 रुपये रखे थे कैश निकाल लिए, उसके बाद ऑटो से मैंने कूदा, इतनी स्पीड में ऑटो चला रहे थे, अब बोल रहे हैं कि ज्यादा बोलोगे मार के फेंक देंगे। कहाँ पे आपके साथ ऐसा हुआ था? आगे आगे यहीं पे भाई, यहीं पे आगे। मैंने प्रशासन से भी कहा, कोई सुनवाई, बहुत करप्ट है, इतना करप्ट है। वहाँ पे आपने प्रशासन से बोला? हाँ, तो एक्शन लिया कुछ? क्या बोला? कह रहा चलो आप खोजो, मैं आ रहा हूँ, अब अकेले हम क्या कर सकते हैं? सही बात है, तो भाई हम बाहर के रहने वाले हैं, उन्हीं के साथ आप गए थे? हम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खुले हम बोल सकते हैं। हम खुले देखिए, उनके साथ हम नहीं गए थे। अच्छा। हम ऑटो किए हैं, ठीक है, तो ऑटो वाले से जिससे हम पहली मरतबा की फर्स्ट बार मेरा पटना है, ये फर्स्ट है, लाट है, कान लास्ट है, कान पकड़ने कभी बिहार में एंट्री नहीं करेंगे, इतना करप्ट है ये। अच्छा, पटना जंक्शन के रहने वाले हैं भैया? नहीं भैया, बोरिंग रोड। बोरिंग रोड यहाँ पे रात्रि में खुलेआम ऐसे किया जाता है क्या ऐसा? अरे तो पहली बार आया है, अभी कोई आएगा आपसे पूछ लेगी पड़ाक से, यहाँ डेली होता है। यहाँ पे ये सब लोग जैसे जा रहे हैं सीधे जा रहे हैं, इनको तंग करेंगे कि चलना है क्या, ऐसे खुलेआम बोला जाता है, और 500 रुपये में 1000 रुपये में चलने के लिए। हम लोग थप्पड़ भी मारते हैं ऐसे लोगों। अच्छा, तो मिला था क्या आपको? नहीं नहीं मिला नहीं था, लेकिन ढूंढते हैं कि अगर मिले तो सारी लड़कियां बदनाम है ना उसके चक्कर में। अच्छा, ढूंढ ही रहे थे। देखिए आगे थोड़ा सा ही जाइएगा, यहाँ पे देखिए भरा हुआ, नीचे लाइन लगा हुआ है, देखिए आइए आप, आइए आइए, देखिए देखिए देखिए, जल्दी आइए जल्दी आइए जल्दी आइए, वो देखिए भाग रही है, भाग रही है, आइए आइए, देखिए वो भाग रही है, भाग रही है, आइए थोड़ा सा आगे आइए, देखिए खुलेआम भाग रही है, भाग रही है, आइए आइए, देखिए खुलेआम में सब बेसियावृत्ति करती है। आप सब आप नहीं है, आप ऐसे क्यों करते हैं? हम नहीं है। आप सब छीना छोरी भी करते हैं? जल्दी आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, और देखिए देखिए सबको, सब
चले गए। आपने देखा इस तरह से खुलेआम पटना जंक्शन पे वेश्यावृत्ति किया जाता है। और ये बिहार की राजधानी है, बहुत ही शर्म की बात है कि यहाँ की प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ इसका तमाशा बने हुए हैं। और यहाँ जो पब्लिक है अगर ठगा जाते हैं बेचारे के साथ, बताइए फ्रॉड हो गया। अरे बहुत ही बहुत करप्ट है, बहुत इतना कभी दोबारा मैं सबसे यही कहूंगा कोई यहाँ पे आए ही नहीं। बताइए पहली बार है और इनके साथ ऐसा घटना हो गया, आएंगे नहीं बोल रहे हैं क्या? सब चाय दुकान में घुस गए यहाँ पे ना, अभी तो उसी में है ना? नहीं नहीं, मैंने वैसे में नहीं हूँ, ठीक ना, मेरे पास आता चार लप लगाता हूँ। तुम भी उसी में हो, तुमको देख रहे थे वहाँ पे, तुम नहीं थी उसमें? देख रहे थे ना, क्योंकि हम ऐसा में नहीं है, आता है ना हम चार लप लगो करते हैं, है ना? तुम वो नहीं करती हो? नहीं वो नहीं करते है। वो सब कहाँ के रहने वाली है? जो लेडीज अभी जिसको दिखा रहे थे वीडियो में, जो भाग रही थी, उसका मैंने पर्सनली छुप के वीडियो रिकॉर्ड किया, ताकि क्योंकि मुझे पता है अगर वो मुझे पहचान जाएगी तो फिर मेरे से भागेगी, इसलिए मैंने पर्सनली उससे जाके सारा कुछ पूछा है, कहाँ लेके जाती है, क्या करती है, सारा कुछ पूछा है। आपको वीडियो में पूरा आगे देखने को मिल जाएगा। और आप जब भी पटना जंक्शन आए इस तरह के बहलावे में नहीं जाए, 500,000 रुपये के चक्कर में आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। और ऐसा नहीं कि कुछ आपको मिलेगा, ये नहीं सोचिएगा कि आपको आनंद मिलेगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। आप जाइएगा डायरेक्ट, आपके साथ छीना छोरी की घटना होगी। यहाँ से थोड़ा सा आगे लेके जाया जाएगा और ये घटना आपके साथ होगी। यहाँ के ऑटो वाले भी मिले हुए हैं, ऑटो वाले भी मिले हुए हैं यहाँ पे, ऑटो वाले भी मिले हुए हैं, ऑटो वाले भी भैया मिले हुए हैं, सब सारा कोई मिला हुआ है ना। मैं खुद देख रहा हूँ रिक्शा पे यहाँ पे लगे, कोई भी ऑटो वाला मिला रहता है। उस साइड जाइएगा आपको लगभग सब ऑटो वाला ये डील किए रहता है, फिक्स रहता है, 1,000-1,500 लेगा, 1,500-1,500 ऑटो वाला और 1,000 रुपए इधर। पुलिस यहाँ पे कुछ नहीं करती है, सब मिला हुआ है, सब मिला हुआ रहता है, सब मिला हुआ है, वो भी कुछ नहीं करते है ना? नहीं नहीं नहीं। आइए एक दुकान वाले यहाँ से, बहुत दिन से यहाँ पे लगा, आप कितने दिन से दुकान लगा रहे हैं क्या? हाँ ये मतलब डेली ऐसे रात्रि में होता है क्या? हाँ, तो यहाँ पे प्रशासन इसका कोई एक्शन लेती है कि नहीं? प्रशासन आता है, उसको भगाता है, फिर आ जाता है। अच्छा भगाता है प्रशासन आके, फिर आ जाता है, पकड़ के कभी लेके जाता है कि नहीं किसी को? पकड़ के भी कितना बार ले गया, लेके गया है, फिर आ जाता है वैसे ना। और ये सब मतलब पैसा छीनते भी हैं लोगों का ना? छीन जाते हैं, बहुत छीन भी लेते हैं, बहुत मतलब जाते भी हैं, जाते भी हैं और छीन भी लेते हैं। इससे प्रशासन में नहीं मतलब टाइट एक्शन नहीं लेते, यहाँ बगल में रहती कोई एक्शन नहीं लेते यहाँ पे, है ना? और लगता है जो यहाँ का होटल है, सारे होटल जो कहते हैं चलिए किसी होटल में, सारा मिला हुआ है क्या? नहीं यहाँ का होटल नहीं, मतलब इधर का नहीं, मतलब वो साइड का है ना। हाँ यहाँ पे मैंने खुद पूछा है, वीडियो में आप देखिएगा, कुछ होटल का उन्होंने नाम भी बताया है। अगर मेरी बात पटना पुलिस तक जा पा रही है तो सर इस पे आप जरूर एक्शन ले पाए। अगर डीजीपी महोदय पटना के हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो सर जी पुलिस वाले को बुलाया तो वो बोल रहे की आप पकड़िए, बताइए हम क्यों पकड़े? मेरे साथ फ्रॉड हो तो हम पकड़ेंगे, वो मुझे चला के लेडीज से कुछ भी कर सकती है, पुलिस का मतलब क्या होता है? खुद वो एक्शन ले तो हमें क्या फायदा? वो बोले कि आप पकड़िए, हम कैसे पकड़ सकते हैं, हम यहाँ रहने वाले हैं नहीं, फर्स्ट बार आते हैं। लेकिन थोड़ी सी तो आपकी भी है ना भाई, आप उसके साथ गए हैं। हम अब बताइए कोई ऑटो वाले आ रहे हैं, बोले भैया चले, हम क्या भैया हमें होटल चाहिए, बोले कि आगे होटल है, 100 रुपए रिजर्व लगेगा, आज पर फर्स्ट बार। अच्छा सिर्फ मतलब रहने के लिए बोले? हाँ ऑटो, इसके लिए नहीं? नहीं नहीं भैया, रहने के लिए, रहने के लिए, क्यों कोई आवश्यकता नहीं है मुझे वो सब चीज के लिए, समझ रहे हैं भैया? अच्छा रहने के लिए, रहने के लिए मुझे होटल चाहिए था। भाई ऑटो वाले से बेहतर जो लोकल वही बताएंगे ना कहाँ पे होटल है, क्या सुविधा है, वही तो बता सकते हैं ना मुझे। और जो यहाँ के ऑटो वाले पटना जंक्शन के हैं सारे मिले हुए हैं, जो लोकेशन है देखिए, यहाँ पे डेली का काम है, एक दिन का नहीं, मैं 2-3 बार पटना जंक्शन पे आया हूँ, लगभग दिन यही काम यहाँ पे होता है। मैं लोकेशन भी आपको एग्जैक्ट दिखा देता हूँ कि जहाँ पे काम होता है, और इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जो नए लड़के आ रहे हो ना फंसे, ना कि अगर फंस जाते तो उनकी जिंदगी ही खराब होगी, उनसे पैसा छीन लिया जाएगा। बहुत कहें बोल रहे कि काट के कहें फेंक देंगे अगर तुम ऑटो से नहीं निकलोगे, अगर कुछ कर भी देंगे तो आप फिर क्या कर पाइएगा? कुछ नहीं कर पाइएगा। देखिए यहीं पे एग्जैक्ट सब खड़े हुए रहेंगे, लाइन में रहेंगे। और लड़की तो मुझे नहीं दिखने को मिली, सारी औरतें मिले थे। मैं यहाँ पे पक्का 1 बजे रात्रि में आया था, क्योंकि मैं पटना में कुछ काम से यहाँ पे आया था, भैया का एक वीडियो शूट करना था इंटरव्यू के लिए, तो यहाँ पे मैं रात्रि में आया था, तो ये देखा मैं खुलेआम वेश्यावृत्ति होता है। मैं और मेरे दोस्त यहाँ से जा रहे थे,